हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, नैनो पार्टिकल फ्रॉम व्हीकल फ्यूम्स कैन कॉज एक्यूट इलनेस। तो जो व्हीकल फ्यूम्स निकलते हैं उसमें से नैनो पार्टिकल रिलीज होते हैं, जिससे क्या हो सकती है, एक्यूट इलनेस मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं क्या है। नैनो पार्टिकल्स इन दिल्ली दिल्लीज एयर अ मेजर चंक ऑफ विच कम्स फ्रॉम दी व्हीकुलर एमिशन। तो जो व्हीकल में से आपके एमिट होते हैं गैसेस, उसके वजह से कैन पोटेंशियली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आप जैसे सांस लेते हैं, वो आपके लंग्स से होकर और अदर बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जिससे फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, क्रिएटिंग मोर क्रॉनिक एंड एक्यूट इलनेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। तो ये तो हम देख लिए कि नैनो पार्टिकल्स दिक्कत कर सकती है। अ स्टडी एनालाइज नैनो पार्टिकल्स 10 to 1090 नैनोमीटर इन डायमीटर इन द सिटी इन 2021 ओवर टू पीरियड्स फ्रॉम अप्रैल टू जून एंड अक्टूबर टू नवंबर। दीज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये देखिए, आप नेचुरल सोर्सेज से भी आ सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी आ सकते हैं। इन अर्बन रोड इन्वायरमेंट्स नैनो पार्टिकल कम मेनली फ्रॉम द कम्बशन प्रोसेस इन ऑटोमोबाइल्स, द स्टडी नोटेड, एडिंग दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स इन अर्बन रोड साइड इन्वायरमेंट वेरीज विथ ह्यूमन एक्टिविटी, पर्टिकुलरली व्हीकुलर एमिशन। तो व्हीकुलर एमिशन इसमें एक बड़ा कारण है। द स्टडी बाय राजीव कुमार मिश्रा एंड कनगराज राजगोपाल एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU एंड एस रामचंद्रन एट द स्पेस एंड एटमोस्फेरिक साइंस डिवीजन फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद वॉज रिसेंटली पब्लिश इन जर्नल अर्बन क्लाइमेट। तो ये अर्बन क्लाइमेट नाम के जर्नल में आया है। नथिंग दैट नैनो पार्टिकल इन द रोड इन्वायरमेंट कैन पेनिट्रेट डीपर इन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम देन नथिंग नहीं नोटिंग नोटिंग दैट नैनो पार्टिकल इन द रोड इन्वायरमेंट कैन पेनिट्रेट डीपर इन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम देन अनदर पॉल्यूटेंट्स। क्योंकि वो छोटे होते हैं पार्टिकल्स, आपको यहाँ पे इनका साइज दिया गया, ये पार्टिकल्स छोटे होते हैं, तो ये आपके लंग्स से होके और भी अलग बॉडी पार्ट्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इन कंपैरिजन टू अदर पॉल्यूटेंट्स। द स्टडी स्टेटेड दैट इन अर्बन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट्स अल्ट्रा फायर पार्टिकल्स ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर कैन कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द टोटल पार्टिकल नंबर कंसंट्रेशन, ठीक है। फॉर द स्टडी रिसर्चर्स ड्र्यू डेटा फ्रॉम द मॉनिटरिंग स्टेशन लोकेटेड एडजेसेंट टू द DTU कैंपस ऑन बवाना रोड इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। द अप्रैल टू जून 2021 पीरियड विच सॉ कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस एक्सपीरियंस अराउंड 31% लेस कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। द स्टडी फाउंड द रिकॉर्डेड व्हीकल फ्लीट वॉज फाउंड टू बी अराउंड 49% लेस देन द नॉर्मल पीरियड ड्यूरिंग दिस टाइम। इन द सेकेंड पीरियड विच इंक्लूडेड दिवाली, पार्टिकल कंसनट्रेशन इंक्रीज बाई 35% कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू सडन राइज इन फायरवर्क एमिशंस अकॉर्डिंग टू द स्टडी। रिसर्चर्स ऑल्सो फाउंड that the size of these particles varies depending on sources. In the second period, when emission sources were more complex, the size of the particles ranged from 20 nanometer to 200 nanometer, while it was 15 to 80 nanometer in the first period. तो देखिए, दिवाली के टाइम मतलब इनका साइज भी बढ़ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल आ गए, फायर क्रैकर्स आ गए, और वैसे व्हीकुलर एमिशंस में आप देखिए कम था। When emission sources were restricted on account of कोविड रिस्ट्रिक्शन, तो जब कोविड रिस्ट्रिक्शन लगे थे तो देखिए ज़्यादा कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, तो आप यहाँ पे देखिए पार्टिकल के साइज भी कम थे। मेट्रियोलॉजी एंड अनदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस कंसनट्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स विथ राइज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोएगुलेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स रिजल्ट इन देयर कंसनट्रेशन बिकमिंग हाई एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स आर फाउंड ड्यूरिंग पीक मोमेंट्स एंड इवनिंग आवर्स। क्योंकि वहाँ पे ऑफिस जा रहे होते लोग, ऑफिस से आ रहे होते लोग, इसलिए ड्यू टू व्हीकुलर एमिशन एंड हायर विंड स्पीड कैन रिजल्ट इन डिस्पर्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स। और विंड स्पीड से ये पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं, आपके इधर उधर चले जाते हैं। द स्टडी स्टेटेड द PNC दैट इज पार्टिकल नंबर कंसनट्रेशन एस्टिमेट्स विल बी यूजफुल टू डिटरमाइन डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन वेरियस इनहेलेशन रेट्स एंड associated physical activities. This particle in the nano size range after deposition can potentially be transmitted to other parts of the body, creating more chronic and acute illness.
The quantitative outcome of this present study can be used to estimate human health impact, develop policies, standards, and initiate mitigation measures for pollution, even with the implication to climate change, and help move towards sustainable measures. अब आप देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. जस्ट अ सेकेंड. सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नैनो पार्टिकल्स. ठीक है, नैनो पार्टिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यहाँ पे उनका साइज दिया गया है, आप देख लीजिए इस नैनो पार्टिकल्स की इतने साइज की बात हो रही है. ठीक है, ये बहुत स्मॉल नैनो पार्टिकल्स होते हैं. ये नेचुरली भी आते हैं और मैन मेड भी होते हैं, जैसे हमने इस आर्टिकल में पढ़ा. ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि नेचुरली जो चीज़ होती है वो सही भी है, ख़राब भी है, तो वो नेचुरल नेचर का कॉज है. अगर मानिए कुछ ख़राब है तो हम अपने एक्टिविटीज़ से उसको ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, उसका इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ और कहीं पर ज़्यादा हमें नुकसान कर देती है. इसलिए नेचुरली है तो ठीक है, मैन मेड तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए. और इसको भी हम कैसे ठीक करें वो हमें देखना चाहिए. तो मैन मेड में सबसे ज़्यादा क्या आ जाता है, वहीकुलर एमिशन. ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीकुलर एमिशन आ जाता है कि व्हीकल से जो आपकी जो फ्यूम्स निकलते हैं, अब देखिए व्हीकल फ्यूम्स जो आपके निकलते हैं ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है. अब देखिए इसमें व्हीकुलर एमिशन सबसे ज़्यादा है आपके. ठीक है, यहाँ पे दिया है नेचुरल सोर्सेज भी है, मैन मेड भी है. अब यहाँ पे आप देखिए दो टाइम पे स्टडी हुआ है. ठीक है, एक तो आपका जब कोविड रिस्ट्रिक्शन थे और एक जब आपकी दिवाली थी. इस समय 31% लेस कंसंट्रेशन थे. ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे पार्टिकल साइज 20 to 200 नैनोमीटर. नहीं मतलब ये तो दिवाली के टाइम का आ गया, ये कोविड रिस्ट्रिक्शन हो गया, एक दिवाली हो गया, तो दिवाली के टाइम तो ये था, और ये जो 15 to 80 है ये कोविड रिस्ट्रिक्शन के टाइम है. तो आप देखिए यहाँ पे पार्टिकल साइज, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फायरवर्क भी हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे पार्टिकल साइज बढ़ जा रहे हैं आपके. और आप देखिए इवनिंग आवर्स में और पीक आवर्स में ये एमिशन ज़्यादा हो जाता है, जो विंड के साथ साथ में डिस्पर्स भी हो जाता है. तो इस आर्टिकल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही नैनो पार्टिकल्स था. इसका साइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्टडी में जो हमने दो तरह के, एक COVID-19 के रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड दिवाली, ये हमने दो टाइम इसमें रिसर्च किया है. और यहाँ पे अलग अलग साइज पाया है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फायरवर्क हो जा रहा है एंड यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन है तो क्लीन इन्वायरमेंट हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे मिल रहे हैं, यहाँ पे बड़े मिल रहे हैं. और आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सस्टेनेबल मेजर्स हमें लेना है क्लाइमेट चेंज. बहुत जेनरिक टॉपिक है ये दोनों, हमें हर आर्टिकल में डेली कुछ ना कुछ तो इस पर मिल ही जाता है, तो एक बार पढ़ो ख़त्म करो, इसमें ये वाला हिसाब करना चाहिए. तो इसमें बस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होता है, और नैनो पार्टिकल्स आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे. सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.